कैदी। अरे कैदी। हाँ हाँ बोल ना। तूने कभी सोचा है कि पहले अंडा आया था या फिर मुर्गी? क्या? नहीं मैंने ऐसा नहीं। छतरी आई थी, छतरी। अबे कौन सा छत बोला? इधर देख, इधर। कहाँ? अबे नीचे देख। अरे तू किसका बीज है? तेरी अंधेरी का अंधेरा हूँ मैं। अंधेरी? अंधेरी? अरे अंधेरी। ओहो, अरे रे रे रे, कितने बरस बीत गए। ये जिंदा है वो? बहुत जोर से रोज सुबह उठ के सुल्फे की फंकियां मारती है। अरे रे रे रे, बहुत बुरा हुआ। अच्छा बेटे तेरा नाम क्या है? मुंडल। क्या? मुंडल है, मुंडल। मुंडल है, मुंडल है। अरे बोला ना मुंडल है तो मुंडल ही होगा ना, मुंडल है, मुंडल। मुंह क्या? कितनी बार बोलूं मुंडल है तो मुंडल ही होगा ना, मुंडल है, मुंडल। तो कैसे हैं आप लोग आज? ना यार मैं बहुत खुश हूँ। नहीं सही में, आज मैं इतना खुश हूँ ना, मेरी खुशी मेरे शरीर से ऐसे बाहर निकल रही है। क्या कहते हैं उसे? ऑरा। यूट्यूब ने मेरी पिछली वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट कर दी है, और जो ओरिजिनल वीडियो है जिसपे मैंने वो बनाई थी वो 3.5 मिलियन व्यूज के साथ ट्रेंडिंग पेज पे थी। वाह। लेकिन तब भी यार मैंने सोचा कोई नहीं, गलती इंसान से ही होती है, मैं अपील कर देता हूँ। और जब मैंने अपील की उसके 2 दिन बाद मुझे इतना खूबसूरत मैसेज मिला है ना उनकी तरफ से। जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी एक और वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो गई है सेक्सुअल कंटेंट के लिए। मैं तुम्हें उस वीडियो का सबसे सेक्सुअल सीन दिखाता हूं। ये बच्चे नहीं देख सकते, एक बदसूरत औरत की टांगे बच्चे नहीं देख सकते, क्योंकि वो सेक्सुअल कंटेंट है। नहीं सही में यार, तुम्हारी कोई मदद कर रहा है, तुम्हें बता रहा है देखो ये चीज है, इसे साफ करो प्लीज। तुम उसकी ही गांड मार रहे हो। नहीं क्या क्या फूक के बैठते हो तुम लोग, मुझे नहीं पता यार। खैर छोड़ो, तुम लोगों को पता है जो बेभय जैसे रैप स्टार्स है ना, वो एक कोने में जाके कहीं छुप रखे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग आजकल धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं ना, वो इस बात का सबूत देती है कि जिंदगी के दुख दर्द कभी खत्म नहीं होते। तो आओ यार, उनकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं बहन के लाइन। The Beer Rappers, Mr. CS, SQ, and your Joey. बहुत ही सही इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम आ जाते हैं मिस्टर फियर्स पर। देखो यार एक बार इसको, एक बार देखो कितना डरावना है ये जीव। और ये क्या काल्पनिक कमर बंद बांध रहा है? कमर के पीछे से घुमाया फिर गांठ बांध दी। तुम लोग जब भी कभी भी कहीं पर भी एसक्यू रैपर आवाज लगाओगे तुम्हें ये बंदा ऐसे ही देखेगा। नहीं मेरे पे यकीन नहीं होता, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। आओ आओ मेरे साथ एसक्यू रैपर पुकार लगाओ। एसक्यू रैपर और अब ये इसका नाम मैं कम से कम 50 बार सुन चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और एटीट्यूड तो देखो, आए हाय तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। इसने ना सबको फेल कर रखा है, लड़कियों को खास लगावे इससे, ऐसे ट्रेन की पटरियों पे लाइनों में लेट जाती हैं। सुन मेरी रानी तेरी चाल मस्तानी, मेरे सपनों की है तू रानी। यही होता है जब तुम 2 साल लगातार अपने गले में अजगर दौड़ाते हो। जिन लोगों को नहीं पता अजगर दौड़ाना क्या होता है, एक बार मुझे देखो। ये मैं बस तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा हूं, चाहे तुम लोग कितने भी फालतू बैठे हो ये हरकत मत करना। तेरे आगे आगे आगे, तेरे पीछे पीछे पीछे, लड़कों ने दी कुर्बानी। यो 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 यो, लड़कों ने दी कुर्बानी। ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है किसी ने पिछवाड़े की लाइन में ऐसे हाथ दे दिया हो। तुम लोग देख रहे हो कैसे सब लोग कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी धमाल वाली चाल मिस्टर फेयर्स देखो कितने डरावने लग रहे हैं, और हमारा एसक्यू स्लो मोशन में बल्ले बल्ले कर रहा है।
सुन। देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने गाने में लड़कियां ले आते हैं या फिर लॉकिंग एंड पॉपिंग वाले डांसर्स जिनके शरीर में इतना लचीलापन होता है कि वो अपनी गर्दन उल्टी पुल्टी कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने बिल्कुल हटके सोचा है, इन्होंने मिस्टर फेयर्स की यो-यो स्किल्स दर्शाने का फैसला लिया है ताकि थोड़ी बहुत लड़कियां भी अट्रैक्ट हो इस गाने से, क्योंकि यो-यो खेलना सेक्सी था, सेक्सी है, सेक्सी रहेगा। अभी इसने प्राचीन भाषा में बोला इसे रिजर्वेशन चाहिए। मुझे मिस्टर फेयर्स की बहुत टेंशन हो रही है, अफसोस वो हमारे हाथों से निकल चुका है। कभी काल्पनिक कमरबंद, कभी सूर्य चक्र, तो कभी तूफानी पहाड़ी, आखिर क्या बताना चाहता है हमें ये मिस्टर सीएस? तुझे जाना है तो जा, मुझे नहीं परवाह, लेकिन जाते जाते मेरी बातों सुन के तू जा, कि मुझ जैसा बंदा तुझे कभी ना मिलेगा। मैं इसकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, किसी भी लड़की को ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक काल्पनिक दुनिया में जीता है, हवा से बातें करता है। और भगने वाली गलत फहमी मत पालना, नहीं, ये पत्थर पे बैठ के भोसड़ी का सही में हवा से बातें करता है। इस सीन में अभी आकाशवाणी हुई है और एसक्यू अपनी जिंदगी का मतलब पूछ रहा है और आसमान से एक मोटी आवाज निकलती है, अकाले भक्त। लगता है बर्फ पड़ने वाली है, नाचो बहन के लिए मेरा इसको सूफी ना, बल्ले बल्ले से अलग है, सबसे अलग बल्ले बल्ले। इसी के साथ इस रैप का और हमारे कानों का दोनों का अंत होता है। अब यार इनको देख के ना मेरा भी मन कर रहा है, यार एक रैप तो बनता है यार। यो आ आ यो 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 पंटा रैपर फीट बच्चा अवतार, दुनिया के सारे रैपर्स, ये है मेरी कहानी, ये तू है मेरी रानी, तू बड़ी मस्तानी, तेरी जवानी ये यो 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 मैन, एवरीबॉडी से शावा शावा, एवरीबॉडी से शावा शावा, डोलना निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा, निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा, निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा, निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा, राम मैया छड़ो प्यारी बल्ले बल्ले, राजा मैया छड़ो प्यारी बल्ले बल्ले, इश्क बीमारी बल्ले बल्ले। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं तुम लोगों को बता दूं, मैंने एक और चैनल खोला है नया लाइव स्ट्रीम के लिए, वो डिस्क्रिप्शन में होगा उसका लिंक, जाके देखो, सब्सक्राइब करो यार उसे, बहुत जल्द लाइव आऊंगा मैं। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार, एम करते हैं 60,000 लाइक्स के लिए, जल्दी कर दो यार प्लीज, टाइम वेस्ट मत करो। अब मैं भी जा रहा हूं यार, क्योंकि मोहित चल यार, तेरे बाप की तीसरी शादी है। यो आ आ यो 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 पंटा रैपर फीट बच्चा रफ्तार, दुनिया के सारे रैपर्स, ये है मेरी कहानी, ये तू है मेरी रानी, तू बड़ी मस्तानी, तेरी जवानी।